हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। और हमने ये जाना था कि आईएएस ऑडिट टेक्निक्स जो होती हैं उसमें मैनुअल टेक्निक्स भी होती हैं और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स भी होती हैं। तो आईएएस ऑडिट टेक्निक्स मिक्स है बेसिकली, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हो आप, तो वहाँ मैनुअल कुछ काम होगा और बहुत सारा काम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के द्वारा होगा। तो अगर आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करो उस लेवल तक जिस लेवल तक कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, तो आप आईडी ऑडिट कर रहे हो। और हमने ये जाना था कि उसका रीज़न क्या है, क्यों मैनुअल मिक्स क्यों है। मिक्स इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% आपका आईटी एनवायरनमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यानी कि किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपका एक हाईली आईटी सोफिस्टिकेटेड कंपनी, हाईली मेच्योर सोफिस्टिकेटेड कंपनी में भी 100% आईटी नहीं होगा, 100% ऑटोमेशन नहीं होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है। तो यही चीज़ हमारी स्टडी बता रही है। हमारी स्टडी अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 के बारे में बात करती है, क्योंकि अकाउंट ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 जो है वो ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट है। यानी कि कौन से इन्वायरमेंट में ऑडिट कर रहे हो आप, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में, यानी CIS इन्वायरमेंट। तो बताता है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आप तीन चीज़ें देखोगे। पहले आप ये देखोगे कि आपके ऑडिट को CIS इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है, फिर उस जनरली कैसे अफेक्ट करता है। उसके बाद आप कंपनी में को इवेलुएट करोगे कि किस कितना CIS इन्वायरमेंट है। और तीसरा चीज़ अपने स्किल्स देखोगे, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं, सफिशिएंट नॉलेज है कि सफिशिएंट नॉलेज और स्किल्स हैं कि नहीं है, स्पेशलाइज CIS स्किल्स की ज़रूरत तो नहीं है। तो उससे भी पहले वो ये डिफाइन करता है CIS इन्वायरमेंट क्या होता है। CIS इन्वायरमेंट के बारे में हमारी स्टडी ये बोलती है कि CIS इन्वायरमेंट तब एग्जिस्ट करता है जब एक या उससे अधिक कंप्यूटर्स होते हैं, और ये एक या अधिक कंप्यूटर क्या कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वान्टिटेटिव भी हो सकती है, ऑडिट सिग्निफिकेंस की होनी चाहिए। अगर अमाउंट हो रहा होगा कोई तो ऑडिट सिग्निफिकेंस की होगी होगी, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। और ये कंप्यूटर थर्ड पार्टी चला रही है या एंटिटी का बंदा चला रहा है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड हमें ये बताता है CIS इन्वायरमेंट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जहाँ से एक कंप्यूटर अंदर आ जाता है। तो यानी कि 100% CIS इन्वायरमेंट नहीं हो सकता, ये हमें पता है। क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तभी 100% आपका ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट होगा। तो कंपनी में आप जाओगे, कोई भी कितनी भी सोफिस्टिकेटेड कंपनी हो, कितनी भी आईटी मैच्योर कंपनी हो, कितनी भी आईटी सोफिस्टिकेशन हो उस कंपनी में, कितनी आईटी मैच्योरिटी हो उस कंपनी में, वहाँ 100% ऑटोमेशन अभी नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है। तो इसी वजह से, इसी तरीके से हमारी ये डेफिनेशन को हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्जामिनेशन आएगा तो ये रेफरेंस पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि 100% ऑटोमेशन नहीं हुआ है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है। इसलिए CIS इन्वायरमेंट के बारे में अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ये कहता है कि अगर एक कंप्यूटर आ गया और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, अगर वो उसकी प्रोसेसिंग जल्दी कर रहा है या उससे प्रोसेसिंग कर रहा है, क्योंकि हम ऑडिटर्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड जब भी इशू करेगा वो हमें ही को सोच कर करेगा, तो वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को सोच कर करेगा। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ही सबसे पहले ऑटोमेशन भी स्टार्ट होता है जनरली। तो जब ऑटोमेशन फाइनेंशियल एस्पेक्ट में स्टार्ट होगा, एक भी कंप्यूटर आ गया तो CIS इन्वायरमेंट होगा। तो अब यानी कि कोई ऑडिटर किसी कंपनी में जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ CIS इन्वायरमेंट देखेगा कि कितना CIS इन्वायरमेंट है, और उसी की तरीके से अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान करेगा। यही चीज़ अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो सेम रहा है, हम पहले सेशंस में पढ़ चुके हैं, ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। अगर आप इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव है। अब अगर मान लिया सपोज आप टैक्स ऑडिट करने जा रहे हो, उसका पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पर एक अलग ऑडिट ऑब्जेक्टिव है। अब इंटरनल ऑडिट का आपको काम दे दिया गया, आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वहाँ वो कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट हो मैनुअल एनवायरनमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा। लेकिन अब वहाँ जा रहे हो तो अगर कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट है तो किस मैनर में ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और जो उस सेम ऑब्जेक्टिव को किस मैनर में अचीव करना है उसमें डिफरेंस आ जाएगा।
क्योंकि कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में रिस्क बढ़ जाएगा, और चूंकि रिस्क बढ़ जाएगा तो वहाँ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। प्रोसेस, कई चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, प्रोसेसिंग इनविजिबल हो जाएगी, तो लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल्स को आप चेक करने की कोशिश करोगे, इंटरनल कंट्रोल्स, फिजिकल इंटरनल कंट्रोल्स की जगह लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल्स हो जाएंगे। तो इंटरनल कंट्रोल्स की आपको उस एनवायरनमेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स, अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसमें एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे, तो उन एप्लीकेशन कंट्रोल्स की नॉलेज हो जानी चाहिए कि भाई ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इफेक्टिव हैं कि नहीं है, कंट्रोल्स एफिशिएंट और इफेक्टिव हैं कि नहीं है, ये पता होना चाहिए। और वो तब पता होगा, उसके लिए टूल्स होने चाहिए आपको उसको ऑडिट करने के लिए। वो टूल्स क्या होंगे? सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर को ऑडिट करेगा, लॉजिक से ही लॉजिक को ऑडिट किया जा सकेगा। तो अब आप आज की डेट में क्या है कि जो इकोनॉमी है हमारी, इकोनॉमी जो है वो लॉजिकल इकोनॉमी ज़्यादा हो गई है, मतलब कई जगह तो आपकी लॉजिकल इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी तकरीबन लॉजिकल इकोनॉमी है, मतलब लॉजिक पोर्शन उसमें कई जगह पर कहीं कम है, आईटी ऑटोमेशन कम है, लेकिन वो लॉजिकल इकोनॉमी है, और सर्विस सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है। इवन जो आपके ब्रिक्स एंड मोटर इंडस्ट्री है वहाँ पर आपके आज की डेट में उसको भी लॉजिकल इकोनॉमी में को कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी ऑटोमेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 इसी चीज़ को ध्यान में रखते लाया गया है, और अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड जब इम्प्लीमेंट किया गया है तो ये ध्यान में रखकर किया गया है कि 100% ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट नहीं होगा, 100% CIS इन्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है। जब आ जाएगी तो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 भी इवॉल्व हो जाएगा, उस सिचुएशन के लिए हो जाएगा। लेकिन आज जब हम अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 के बारे में सोचेंगे तो इसी परस्पेक्टिव से सोचेंगे कि 100% CIS इन्वायरमेंट नहीं है, मिक्सड इन्वायरमेंट है, वहाँ पर भी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होंगी और कंप्यूटराइज्ड मेथड्स यूज़ होंगी। तो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 क्या कहता है? सबसे पहले चीज़ वही कहता है, वो ये बोलता है कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप CIS इन्वायरमेंट में भी सेम रहता है, यानी ऑब्जेक्टिव और स्कोप चेंज नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन किस तरह से रखी जा रही है वो यूज़ हो जाएगा, वो चूज हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को चेंज कर देता है, स्टोरेज को चेंज कर देता है, रिट्राइवल को चेंज कर देता है, कम्युनिकेशन को चेंज कर देता है, यानी कि वो लॉजिकल प्रोसेसिंग में आ जाता है, लॉजिकल स्टोरेज में आ जाता है, लॉजिकल रिट्राइवल हो जाता है, लॉजिकल कम्युनिकेशन होता है, फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं होता है, फिजिकल रिट्राइवल नहीं होता, फिजिकल स्टोरेज नहीं होता। पहले आप कुरियर भेजते थे, अब मेल भेजते हो, वही एक फिजिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक लॉजिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो लॉजिकल मोड ऑफ फिजिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता था, आप लिफाफा खोलते थे, फाड़ते थे, उसे देखते थे, ओपन करके देखते थे। अब अगर एक आपका ईमेल जो है, जनरली ईमेल सिक्योर होता है, लेकिन अगर अनसिक्योर्ड ईमेल है तो फिर आपको लॉजिकली उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उसके कोड्स को देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है, सर्वर में जाकर देखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसको देखोगे, आप उसमें लॉजिकल चिट्ठी देखना चाहोगे और लॉजिकल कैरियर को देखना चाहोगे, लॉजिकल कैरियर को ऑडिट करना चाहोगे, तो आपको लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग देखनी पड़ेगी, फिजिकली आप नहीं देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, आज की डेट में आज जो है आपका कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कई चीज़ें चेंज हो गई हैं, फिजिकल से लॉजिकल हो गई, और इसी की वजह से अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 आया। तो सबसे पहली चीज़ उसने ये बोली कि भैया ऑब्जेक्टिव और स्कोप तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दूसरी उसने ये बोली कि कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो इससे क्या है कि अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इफेक्ट आ गया है। अब क्या है कि मालूम पड़ा इंटरनल कंट्रोल जो है लॉजिकल हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे, फिजिकल कंट्रोल तो है ही है, उसको तो आप ऑडिट करोगे ही करोगे, लेकिन लॉजिकल कंट्रोल्स भी हो गया। अब लॉजिकल कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लॉजिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि जैसे फेसबुक जैसी ही कंपनी है, उसमें अगर आप जाओगे, फेसबुक में जाओगे, तो फेसबुक वाला ये बोलेगा कर लो ऑडिट, ये मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेटा है, उस डेटा की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इसी डेटा से ये कंपनी $100 बिलियन की बनी हुई है। एक तरफ नॉर्मल आपकी नॉर्मल आपका वर्ड है, नॉर्मल सपोज इंडिया है, इंडिया में क्या है कि उसकी टोटल GDP $1900 बिलियन है और 125 करोड़ भारतीय एक साल पूरा काम करके $1900 बिलियन पैदा करते हैं।
लेकिन एक तरफ फेसबुक है, $100 बिलियन उसकी वैल्यूएशन है आज की डेट में, और वो क्यों वैल्यूएशन है, डेटा की वजह से वैल्यूएशन है, और वो डेटा इंपॉर्टेंट है। वो डेटा जो है अगर आप उसमें और ट्रेडिशनल ऑडिट मेथड्स लेकर जाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल जो जो ट्रेडिशनल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू ही बहुत कम है, नॉन मटेरियल हो गए हैं वो आप। और कई कंट्री ने तो, कई कंपनी ने तो उनको भी आउटसोर्स कर दिया। कई कॉल सेंटर होता है, कॉल सेंटर में क्या होता है कि वो जिस बिल्डिंग में रह रहे होते हैं वो किराए में होता है, जो एसेट यूज़ कर रहे होते हैं वो भी किराए में होता है, कई बार उनके जो कंप्यूटर्स, फिजिकल कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं वो भी किराए में होते हैं, केवल उसमें सॉफ्टवेयर्स उनके होते हैं, उन्होंने परचेज़ किए हुए होते हैं, या वो डेवलप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स उनके पास होते हैं। तो उनके पास अगर आप ऑडिट करोगे तो एसेट्स को देखोगे तो उनके पास वर्चुअली जो फिजिकल एसेट है वो नेग्लिजिबल है। वहाँ पर अगर आप डेटा का एसेट ऑडिट नहीं कर पाए, वो आईटी ऑडिट आपको नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है आप एविडेंस ही नहीं कलेक्ट कर पाओगे, आप सही ओपिनियन ही नहीं दे पाओगे। तो इन्हीं रीज़न से अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 आया। अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 जो है वो हमें तीन तरीके से ऑडिट करने के लिए बोलता है। बोलता है कि आप एक कंपनी में जाते हो जहाँ CIS इन्वायरमेंट है, यानी कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहले क्या करते हो आप, सबसे पहले आप ये देखते हो, अंडरस्टैंडिंग लेते हो अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। आप ये देखते हो लॉजिकल रूप में कितनी ऑडिटिंग हो रही है, एक नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें टैली लगी है और उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, ऐसा है कि एंटरप्राइज ERP है। और ERP में भी कई बार क्या होता है कि कई मॉड्यूल्स बिकते हैं, तो कई कंपनी कम मॉड्यूल्स लेती है और कई कंपनी पूरे एंटरप्राइज वाइड ERP होती है, उसमें सारे मॉड्यूल्स लिए गए होते हैं। तो आप ये देखोगे एक्सटेंट क्या है और उसमें इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं। तो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग्स आपको लेनी पड़ेगी इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटिंग सिस्टम्स की। तो उसकी सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है, 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पर भी सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है। आप सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लोगे अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, जिससे सफिशिएंट रिस्क को मिटिगेट कर दोगे और एक रिलायबल ओपिनियन दे दोगे, 100% एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं दोगे, एक पर्टिकुलर 100% रिलायबल, मतलब 100% ओपिनियन नहीं दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपके प्रोसीजर्स भी चेंज हो जाएंगे, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेने के प्रोसीजर्स भी चेंज हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि आप किसी कंपनी में जाते, वहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते, फिजिकल चीज़ों को देख लेते थे। अब क्या होगा कि आप जाओगे तो आपको डेटा फ्लो डायग्राम देखना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर लॉजिकली क्या चल रहा है ये जानना पड़ेगा, तो पहले डेटा फ्लो डायग्राम मंगाना पड़ेगा। अब पहले क्या होता था, आप जाते थे कंपनी में और उनसे बोलते थे कि बुक्स लेकर आ जाओ, कहाँ से कहाँ, किस वाउचर किसने ऑथराइज़ किया, वाउचर से क्या है कैश बुक में जा रहा होगा या बैंक बुक में जा रहा होगा, वहाँ से जो है बैंक बुक से जा रहा होगा आपका लेजर में जा रहा होगा, और लेजर से कहाँ जा रहा होगा आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी उस CIS सिस्टम की। उस CIS सिस्टम में आपको कई चीज़ देखनी पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का पेरोल है, तो कई बार क्या होता है पेरोल जो है वो होता है, अकाउंटिंग सिस्टम अलग होता है, पेरोल अलग होता है और HRMS अलग होता है। HRMS HR का मॉड्यूल होता है जिसमें अटेंडेंस वगैरह जाती है। तो कई कंपनी में ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं। अगर जिस कंपनी में ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं तो उसमें डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा होता है, और कई कंपनियों में बीच में मैनुअल इंटरवेंशन होता है। जहाँ मैनुअल इंटरवेंशन होता है वहाँ मैनुअल आप जाकर पूछ सकते हो, लेकिन जहाँ पर ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हो गई, यानी कि आप कंपनी में गए, आपने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और मंथ के एंड में ऑटोमेटिकली अटेंडेंस फ्लो कर गई, बैच बना, ऑटोमेटिकली पेरोल में इंफॉर्मेशन फ्लो हो गई कि ये इतने दिन आया था, ये इतने दिन नहीं आया था, इसने लीव के लिए अप्लाई किया और ऑनलाइन बॉस ने बता दिया कि लीव लगाई कि नहीं लगाई, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, हो सकती हैं और कई कंपनी में होती हैं। उसके बाद वो डेटा सैलरी प्रोसेस हुई और जनरल एंट्री बनी, ऑटोमेटिकली फ्लो कर गई ERP में। अब यहाँ सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, आदमी बैठा है, उसने बटन दबाया और प्रोसेसिंग हो गई, उसने एक केवल चेक कर रहा है, लॉजिक्स को चेक कर रहा है।
तो इसमें आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी किस तरह से चीज़ें फ्लो होती हैं, कितना के किस किस तरीके से सफिशिएंट अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको अपना ऑडिट रिस्क देखना पड़ेगा, लेकिन अपने ऑडिट रिस्क को देखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को देखना पड़ेगा। इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क ऑर्गेनाइजेशन का अगर बढ़ता है तो आपका ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन आपका आपको जो आपकी ओपिनियन है वो उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैनुअल एनवायरनमेंट हो, सीआईएस एनवायरनमेंट हो, हमारा अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आप सफिशिएंट रिलायबल इंफॉर्मेशन ओपिनियन दोगे, आपकी ओपिनियन जो है रिलायबल ओपिनियन होगी। ऐसा नहीं है कि रिलायबिलिटी उसमें ओपिनियन की रिलायबिलिटी कम कर दी गई है। आपको ऑडिट रिस्क मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, उसको उसमें लेक्सिटी नहीं की गई है। इनफैक्ट जब से ये कंप्यूटराइजेशन आया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या ऑडिटर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है, फ्रॉड्स बढ़ गए, रिस्क बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ा दी गई है। तो एक तरफ इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क बढ़ा, और एक तरफ आपका आपको ऑडिट रिस्क उसी लेवल पर रखना है जो मैनुअल पर होगा। तो यानी कि आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा इंटरनल रिस्क और कंट्रोल रिस्क में, और फिर उसके बाद आपको अपने कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर उसी हिसाब से डिज़ाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव आपको मीट करना है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको ओपिनियन देनी है, आपका एक पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, हर इंटरनल ऑडिट के लिए अलग, उनके लिए अलग। उसी ऑडिट ऑब्जेक्टिव पर आपको अपनी ओपिनियन देनी है और ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है, और आपकी ओपिनियन उस एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए। सिंपल, ऑडिटर यही करता है, मतलब ऑडिट एविडेंस लेता है और उसी पर ओपिनियन देता है। अब आपकी एविडेंस, आपकी जो ओपिनियन होगी वो रिलायबल ओपिनियन होनी चाहिए, पर यहाँ ऑडिट रिस्क बढ़ गया है तो आपको उसी के अनुसार अपने प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो यानी कि आप अपने प्रस्पेक्टिव से सोचो, अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड तीन प्रस्पेक्टिव से आपसे बात करता है। सबसे पहले वो ये बोलता है कि आप सीआईएस इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट आ सकते हैं, पहले ये बात बोलता है। पहले वो ये बोलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स लेने फॉलो करने पड़ सकते हैं। दूसरा चीज़ वो ये कहता है कि आपका ऑडिट रिस्क वहीं पर रहना चाहिए, वही लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क रहना चाहिए, लो रहना चाहिए आपका ऑडिट रिस्क, लेकिन इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क बढ़ गया है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और इसी को ध्यान रखते हुए आपको प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने हैं, सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने हैं, और उन्हीं सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर से ऑडिट करना है आपको। दूसरी चीज़, दूसरा अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ये कहता है कि जब आप किसी अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हो, सीआईएस एनवायरनमेंट की ऑडिटिंग कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा सीआईएस एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो उसको कई चीज़ें एवेल्युएट करनी पड़ेगी उसके जो ऑडिटर को, उसमें से जो सीआईएस एनवायरनमेंट के लिए मेन चीज़ जो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है, वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा किस एक्सटेंट तक सीआईएस एनवायरनमेंट है। तो अभी हमने ये बोला कि 100% तक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है, सिंपल। तो आपको एक्सटेंट देखनी पड़ेगी किस एक्सटेंट तक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सीआईएस कंप्यूटराइज्ड तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है, कंपाइल किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, उसका एक्सटेंट आपको देखना पड़ेगा। यानी लॉजिकल प्रोसेसिंग कितनी हो रही है, लॉजिकल वे में आउटपुट को कितना रखा जा रहा है, लॉजिकली आउटपुट का फ्लो क्या है। तो यानी कि एक्सटेंट ऑफ सीआईएस एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। दूसरा आपको सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आप देखोगे तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, कौन ऑथराइज़ करता है, किस तरह से ऑथराइज़ होता है। पहले तो मैनुअली ऑथराइज़ होता था, अब सिस्टम के थ्रू ऑथराइज़ तो नहीं होता है, तो फ्लो, ये फ्लो आपको देखना पड़ेगा, डेटा का फ्लो देखना पड़ेगा, डेटा कहाँ से किस तरह से मूव हो रहा है, किस तरह से ऑथराइज़ हो रहा है, उसको अगर करेक्ट करना है तो किस तरह से करेक्ट हो रहा है, करेक्ट और कम्प्लीट डेटा चाहिए होगा तो उसको अगर करेक्शन करना है तो किस तरीके से वो करेक्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग सेंटर में किस तरह से डेटा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद आपको देखना है पड़ेगा रिपोर्टिंग और एनालाइज कैसे की जा रही है उस डेटा की। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में क्या होता है कि पेरोल कई बार क्या होता है ऑटोमेटेड होता है, तो जैसे ही सैलरी प्रोसेसिंग होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें से रिपोर्ट शूट आउट हो जाती है। पर्टिकुलर डे को ऑटोमेटिकली जैसे ही प्रोसेसिंग ओके होती है तो अगले दिन रिपोर्ट शूट आउट हो जाती है, सीनियर मैनेजमेंट को पास वो रिपोर्ट आ जाती है।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी वो ऑडिट ट्रेल। जो मैनुअल सिस्टम है उसमें एक ऑडिट ट्रेल होती है, एक पर्टिकुलर ट्रेल बनती है। अगर आप वाउचर आता है साइन करते हो, उसके बाद फिर लेजर कैशबुक में जाता है, कैशबुक से लेजर पोस्टिंग होती है और उसमें इनिशियल्स किए जा सकते हैं। जो लेजर पोस्टिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे की होती है, वो कैशबुक में डालेगा, फिर लेजर पोस्टिंग करेगा, फिर बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो एक ट्रेल बन जाती है। क्योंकि आप लिख रहे होते हैं, जब लिखते हो तो पेन का यूज़ करते हो, उसमें से स्याही निकलती है, स्याही डाई होती है, वो आपके पेपर में लगती है, पेपर जो होता है उसमें परमानेंट मार्क आ जाता है, उसको मिटाना इतना आसान नहीं होता है, क्रॉस क्रॉस करोगे तो पता चल जाएगा किस की क्रॉस किया गया है। लेकिन ये पर्टिकुलर ऑडिट ट्रेल जो है कंप्यूटराइज्ड बेस सिस्टम में, ये ट्रेल गायब हो जाती है। तो वहाँ पर क्या कंट्रोल्स लगे, वहाँ पर लॉग्स लगे कि नहीं लगे, तो ऑडिट ट्रेल बेसिकली क्या है, एक कंट्रोल है, एक डिटेक्टिव कंट्रोल है। ये डिटेक्टिव कंट्रोल्स वहाँ पर का हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिट ट्रेल कई बार वैनिश हो जाती है। जो अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है उसमें ऑडिट ट्रेल नहीं होगी, वहाँ पर लॉग्स, सिस्टम में लॉग्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कब प्रोसेस हुआ, किसने प्रोसेस किया, क्या किस टाइम पर प्रोसेस हुआ, किसने ऑथराइज़ किया। इन सब के लॉग्स होने चाहिए कि अगर मान लीजिए सपोज़ किसी ने एक जैसे टैली में आप हिस्ट्री देख सकते हो, किस बंदे ने कौन से लॉगिन से ये एंट्री हुई है, कितने लोग हैं, कितना लॉगिन है और किस लॉगिन से एंट्री हुई है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और कितनी तारीख को लॉगिन हुआ, किसने एंट्री डाली, किसने एंट्री चेंज की तो किसने चेंज की, ये सारी चीज़ें उसमें एक ट्रेल बन जाती है। इसके अलावा जो अगली चीज़ देखोगे, आप स्किल्स और कॉम्पिटेंस देखोगे। अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है स्किल्स और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए ऑडिटर के पास, क्योंकि अब कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट आ गया है, यहाँ पर स्किल्स होनी चाहिए। लॉजिकली ऑडिट करना डिफ़िकल्ट है, लॉजिकली सिस्टम को समझना डिफ़िकल्ट है, उसके लिए एक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी कि अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 3 तरीके से हमें कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट कहाँ अफेक्ट करता है, दूसरा है कि कहता है कि आपको वहाँ जाकर देखना पड़ेगा क्या क्या देखना पड़ेगा, एक्सटेंट क्या एक्सटेंट है, क्योंकि 100% एक्सटेंट नहीं हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नहीं आई है, तो कुछ मैनुअल होगा, कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक होगा, आईटी होगा, तो आपको जाकर वहाँ देखना पड़ेगा कितना एक्सटेंट ऑफ सीआईएस एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा और उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद स्किल एंड कॉम्पिटेंस देखना पड़ेगा। स्किल और कॉम्पिटेंस में एक सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, 100% नॉलेज नहीं, सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ स्पेशलाइज सीआईएस स्किल्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो। फिर वहाँ एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है रिलाइंग ऑन एक्सपर्ट्स, ऑन द स्किल ऑफ एक्सपर्ट्स, तो उसमें उसको आप उसके अनुसार एक एक्सपर्ट के स्किल पर रिलाई कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होनी चाहिए, आपको एक सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की। यानी कि आप आज की डेट में आप जा रहे हो और ट्रेडिशनली ऑडिट करने जा रहे हो और आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो आप ये बहाना नहीं कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड ने 29 ने बोल दिया है कि भैया ऑडिटर तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, और इतनी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने काम को प्लान कर सको, डायरेक्ट कर सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो, रिव्यू कर सको, कंट्रोल कर सको। अगर ये नॉलेज नहीं है, अगर आप सीआईएस एनवायरनमेंट में जा रहे हो, ये नॉलेज नहीं है, तो आप पूरी तरह से ऑडिट ही नहीं कर सकते। और जैसा मैंने अभी फेसबुक का एग्जांपल दिया, उसमें आलम बड़ा मेन एसेट का तो आपने ऑडिट ही नहीं किया, मेन एसेट के बारे में तो आपने कंट्रोल सी चेक नहीं किए, ये जो कि डेटा एसेट है, बाकी एसेट तो गौण है, उनकी तो कोई खास वैल्यू नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो डेटा एसेट है, जो सबसे तो बेसिकली क्या है, आपको अगर सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो फिर आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। अब अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ये कह रहा है कि अगर या तो सीआईएस ऑडिट आप ना लो, यानी कि वो एक तरह से ये कह रहा है कि ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट आप नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और ऑडिटर बोल रहा है कि भाई ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट करो, तो आप बोलना कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मना करता है, मेरे को स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए गए हैं, मुझे आईटी ऑडिट करना है, मेरे अंदर वो स्किल है, मेरे अंदर वो कॉम्पिटेंस है,
हमने पहले इसके बारे में बोला था, पढ़ा था कि दो टाइप के ऑडिट होते हैं, एक होता है ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट और एक होता है आईटी ऑडिट। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से ऑडिट कर रहे हो किसी आईटी एनवायरनमेंट को तो उसे बोलते हैं ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, और अगर आईटी स्किल के साथ कर रहे हो तो उसे बोलते हैं आईटी ऑडिट। तो बेसिकली अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड आपको ये बोल रहा है आप आईटी ऑडिट करोगे, ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट नहीं करोगे। और मैंने ये बोला था ऑडिटिंग कई बार क्या होता है, ऑडिटर के पास स्किल्स होता है लेकिन अकाउंटेंट वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और वो आपको डेटा नहीं दे रहा होता है, वो कहता है कि आप उसमें ले लो डेटा आपका, ये पेपर में ले लो, तो तब आप बोलोगे कि भैया पेपर में मैं नहीं ले सकता, मेरे को आप सारी की सारी चीज़ें दो, और इसलिए दो क्योंकि मेरा अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है कि आपको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, और मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है और मैं ऑडिटिंग थ्रू ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट नहीं कर सकता, आईटी ऑडिट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपका कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट है, तो मैं यहाँ ऑडिट करने हूँ, मैं आईटी ऑडिट करूँगा। तो यानी कि एक सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को, कैसी नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज, 100% नॉलेज नहीं, और उतनी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए जितना सीआईएस एनवायरनमेंट है। अगर सीआईएस एनवायरनमेंट हाईली सोफिस्टिकेटेड है तो उतनी नॉलेज होनी चाहिए, ईआरपी का ऑडिट करने जा रहे हो तो उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब कई जगह बहुत, क्योंकि जो आईटी है वो 5 साल में पूरी एक जनरेशन चेंज हो जा रही है, तो कई बार क्या होता है कि अचानक कोई स्पेशलाइज्ड सीआईएस स्किल्स की आपको ज़रूरत है ऑडिट करने के लिए, एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड सीआईएस स्किल की वहाँ पर ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एरिया है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड सीआईएस स्किल की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो स्पेशलाइज्ड सीआईएस स्किल की आपको कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है इसके बारे में हमारा अकाउंटिंग एश्योरेंस, और उस केसेस में आपको क्या करना है, अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 आपको ये बताता है कि जहाँ पर स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी सीआईएस एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल्स की। अगर आपके पास वो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग आप नहीं ले पाते हो, आपके वो स्किल्स नहीं है, तो आप एक्सपर्ट्स का मदद लो, और उसके अलावा आपको टोटल रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। अब रिस्क असेसमेंट क्या करोगे, एक तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस का रिस्क उस लेवल पर देखोगे, एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लेवल पर रिस्क देखोगे, और तीसरा